आज सुबह 9:30 बजे विश्व हिंदू परिषद युवा शक्ति मच के संजीव प्राशर ने वाल्मीकि मंदिर के पास 4 किलो गांव के मांस साथ पकड़ा। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान रूहल बासी बंगाल के रूप में हुई है। मिली थी कुछ लोग जो है गायें और भैंस का मांस लेके सप्लाई करते हैं और खुद भी खाते हैं, तो पिछले 1 महीने से हम लोग इनके पीछे लगे थे और आज ये हमें पक्की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने इनको पकड़ लिया है। सर कहाँ से लेके आ रहे थे ये? जहाँ इनका बताना है कि ये भावाखेल से लेके आ रहे थे और हमने इनको दुकोए के पास इनके प्लॉट से पकड़ा, घर से पकड़ा। सर कितने जने हैं ये? हमें 2 आदमी मिले हैं, साथ में एक आदमी जो रूहिल अपना नाम बताता है, रूहिल और राहुल बोलता है अपने आप को, वो मिला है और साथ में उसकी बीवी मिली है। सर ये कब से कर रहे हैं ये? हमारे मुताबिक जो हमारी इन्फॉर्मेशन कर तो कब बहुत देर से रहे हैं, लेकिन इसका कह रहा है कि अभी मैं पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ। सर ये आगे भी सप्लाई करते हैं? हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आगे सप्लाई करते हैं, सबको बेचते हैं जी। मामला एक साढ़े को संजीव प्राशर जी आए हैं विश्व हिंदू परिषद के, जिन्होंने सामने इन्फॉर्मेशन दी थी कि भी 2 बंदे एक गाऊ मांस लेके मोटरसाइकिल पर काकी पिंड वाली साइड तो दुबई वाली साइड जा रहे हैं, नाकाबंदी करके उ चेक किया गया जितों राहुल सन ऑफ अहमद जो है वेस्ट बंगाल का जो दुबई के कबाड़ का काम करता है, एक वो शमशू जो 50 साल की उम्र का बंदा सो आ रहे थे। शमशू जो मौके तो देख के पुलिस में भज गया, तो जरा राहुल हैगा इन पुलिस ने अरैसट किया, ये तो करीब 4 किलो जो है गाऊ मांस मिला है, बाकी भी हम कार्रवाई से कर रहे हैं। तो सर कि जगह तो लैके आया सर जी? ये बस्ती बाबा खेत का भी एरिया दस है, उस संबंधी असी एक टीम भेज दी है जो उसे जाके चेक करेगी। सर की कार्रवाई की जा रही? कार्रवाई असी बयान लिख के पर्चा दे रहे हैं जी स्टॉप ट्रैक्टर।